Assalamualaikum fans and viewers, welcome back to my channel and welcome back to another video. This is me Ismail Younes and you're watching my YouTube channel Crick Talk. So main analysis dunga between Pakistan and Australia test match, third test match, day 4. So obviously pure match ka analysis karne ka koi fayda nahi hai, na koi iska koi maqsad hai, na koi iska genuine reason hai, kyunki zahiri baat hai humne dekha hai Pakistan is puri series mein इतनी अच्छी क्रिकेट नहीं खेली जैसे हम खुद एज फैंस एक्सपेक्ट कर रहे थे. इवन दो हम खुद पाकिस्तान से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 29 ईयर्स के बाद ऑस्ट्रेलिया में जाके सीरीज जीतेगी, लेकिन नहीं, हिस्ट्री वैसे की वैसी रह गई है. पाकिस्तान हैज नेवर वन अ टेस्ट सीरीज इन ऑस्ट्रेलिया फॉर 29 ईयर्स. इंडिया जो है दो बार जो है टेस्ट सीरीज जीती है ऑस्ट्रेलिया में जाके, उनके घर में जाके मार के गए हैं ऑस्ट्रेलिया को. ये सबसे बड़ी बात है. उसकी मैं आपको रीज़न बताता हूँ कि आपकी पाकिस्तान क्रिकेट इतनी पीछे क्यों है. क्योंकि सबसे बड़ा मसला ये है कि आपके यहाँ मेरिट है ही कोई नहीं. मेरिट किस इंस्टेंस में नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जो आप कोचेस हायर करते हैं, जो आप नीचे वाली क्रिकेट पे आप काम करते हैं, वहाँ पे सारे भाई 70-80% दोस्ती यारी चल रही है. जब जाहिर सी बात है आप दोस्ती यारी वाला कल्चर चलाएंगे ना और वो निभाएंगे ना, तो ऐसे एवरेज किस्म के ही रिजल्ट्स आएंगे. पाकिस्तान क्रिकेट ऐसे कभी भी इम्प्रूव नहीं करेगी. अब मैं मोहम्मद हफीज के बारे में बात करना चाहता हूँ. अच्छा, मिस्टर प्रोफेसर का सबसे बड़ा इशू ये है कि ये टीवी चैनल्स पे कुछ बोलते हैं. अच्छा ठीक है, ये सब क्रिकेटर्स का ये प्रॉब्लम है. ये टीवी चैनल्स में मेरिट की बातें कर रहे होते हैं, सिस्टम की बातें कर रहे होते हैं, प्रीवियस क्रिकेट बोर्ड को उड़ा रहे होते हैं बुरी तरह से कि ये इसने सही नहीं किया, ये इसने गलत किया, ये इसने सीधा नाइंसाफी की है. अच्छा ठीक है, जैसे ही क्रिकेट बोर्ड में आ जाते हैं ना, ये फिर सच का जो है ना, ये सच का उल्टा ही कर देते हैं सब कुछ. ये मेरिट, ये जो है ना, जो चीज़ पक्की है उस पर पक्के रहते नहीं है, अपने दोस्ती यारियाँ निभा लेते हैं क्रिकेट बोर्ड में जाके, फिर वही जो चीज़ गलत भी हो रही होती है उसको एक्सेप्ट कर रहे होते हैं. भाई बात ये है हफीज साहब, जो चीज़ आप करते हैं उस चीज़ पर पक्के रहा करें. अगर आप पक्के रहेंगे, सीधे रहेंगे, चीज़ें ठीक चलेंगी. जाहिर सी बात है हफीज को वैसे भी गलत लेके आया गया था क्रिकेट बोर्ड में, क्योंकि जाहिर बात है भाई वो मेरिट पे तो एक तो आया नहीं था, ठीक है ना, तो उसके पास कोई कोचिंग का एक्सपीरियंस है ना, उसको कोचिंग की एबीसी का पता है कि कोचिंग होती क्या है या कोच या हाउ टू हैंडल द प्लेयर्स. भाई सबसे बड़ी पता बात क्या है, एक जो बड़ा क्रिकेटर या फॉर्मर क्रिकेटर है ना, ही कैन नेवर बी अ गुड कोच. वो अच्छा कोच तभी बन सकता है जब उसके पास कोई कोचिंग एक्सपीरियंस हो, जब उसने level 1, level 2, level 3, level 4 सर्टिफाइड कोचिंग कोर्सेज किए हैं, तब उसके पास वो कोचिंग का वो एक्सपीरियंस आ सकता है. ऐसे ही नहीं आ सकता. इसकी वजह से आपका ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम आया है. फिर मैं दूसरी चीज़ एक और बात करना चाहता हूँ कि हमारे एक्स क्रिकेटर्स का भी सबसे बड़ा हाथ है इसमें. क्योंकि मैं बात हमेशा मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि जो प्लेयर, जो गलत प्लेयर होता है ना, जिसकी ना परफॉर्मेंस होती है ना फिटनेस होती है, हम उसको बैक कर रहे होते हैं. जो प्लेयर डोमेस्टिक में 3-3, 4-4 साल का रगड़ा खा रहा होता है, आप उसको पाकिस्तान टीम में लेके आते ही नहीं है, उसके बारे में वो एक्स क्रिकेटर्स बात ही नहीं करते. इनका भी सबसे बड़ा हाथ है. फिर हमारे पॉलिटिशियंस को देख रहे हैं, इनका भी सबसे बड़ा हाथ है. क्योंकि ये जो है पॉलिटिशियंस, ये अलाउ करते हैं कि यार क्रिकेटर्स की जाके सिलेक्शन हो. वो क्रिकेटर्स को जाके कह रहे होते हैं कि भाई यार तू पाकिस्तान खेल जा, तू ये कर जा. ऐसे आपकी क्रिकेट चल रही है. और आप ऊपर से देख लें इंडिया की क्रिकेट कैसे चल रही है. इंडिया की क्रिकेट आप ये देखें, ऐसे यहाँ चली गई, आपकी क्रिकेट इधर है. वो क्यों है? क्योंकि भाई इंडिया की जो सिलेक्शन की जाती है ना, वो मेरिट पर की जाती है. मेरिट पर कैसे कि भाई जिसने 3-4 साल फर्स्ट क्लास में अच्छा परफॉर्मेंस दिया, वही इंडियन टीम में खेलेगा. इसकी वजह से वो टीम इतनी कामयाब है. वो जाके देख लें ऑस्ट्रेलिया में दो बार टेस्ट सीरीज जीत के आई है. आप देख लें साउथ अफ्रीका में जाके टेस्ट सीरीज ड्रॉ करके आए हैं आफ्टर एम्बेरसिंग फर्स्ट टेस्ट डिफीट. वो इनिंग से हारे थे, ये देखो आप लोग. और फिर हमारे एक्सक्यूटिव कहते हैं कि यार इंडिया हमसे बेहतर क्रिकेट खेलती है. ये तो भाई देखो कि उनके सिस्टम में नीचे लोग किस किस्म के रखे गए हैं. जब लोग मेरिट वाले जस्ट और ट्रस्टवर्दी लोग रखोगे ना क्रिकेट में, जो लॉयल होंगे, जो प्यार और मोहब्बत और सिंसेरिटी से काम करेंगे, वही तरक्की करेंगे. जो दोस्ती यारियाँ करके जो पैसों के लिए आएंगे ना, वो कभी भी तरक्की नहीं करेंगे.
वो छोटी सोच के साथ ही रहेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि मोहम्मद हफीज़ ये जो भी हमारे कोचिंग स्टाफ है, ये इनको तो वैसे भी कोई दे वॉन्ट फील अशेम्ड, क्योंकि उनको पता है कि यार पैसे इनको मिल गए हैं, उनको पता है कि यार इनको घूमना फिरना सैर सपाटा सब कुछ हो गया, इनको तो कोई परवाह नहीं होगी ना, क्योंकि उनको पता है कि यार दे आर नॉट लॉयल इनफ फॉर क्रिकेट। और यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आपके कोचेज में, मैंने सबसे ज़्यादा एक चीज़ नोटिस की है, वो बिल्कुल लॉयल है ही नहीं क्रिकेट बोर्ड के साथ। कम से कम बंदा ये अपने आप को कहते थे कि यार चलो यार मैं नीचे वाले लेवल पे काम कर लेता हूँ, मैं नीचे वाले लेवल पे अपने आप को मनवाता हूँ, फिर जाके जो है मैं 3-4 साल मनवा के ऊपर वाले लेवल पे आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप जाऊंगा। उसकी सबसे बेस्ट एग्जाम्पल राहुल द्रविड़ है, 3-4 साल उसने अंडर 19 लेवल पर काम किया इंडियन अंडर 19 टीम के साथ, फिर जाके आहिस्ता आहिस्ता फिर इंडियन क्रिकेट BCCI को लगने लग गया कि नहीं यार राहुल द्रविड़ अब इस काबिल है तो हम इसको जो है इंडियन टीम का कोच बना देते हैं, फिर वो देख ले, क्योंकि राहुल द्रविड़ भी प्रोसेस के साथ ही आया था। यहाँ सबसे बड़ा मसला यही है, कोई भी बंदा प्रोसेस के साथ आता ही नहीं है। तो आप देख लेते हैं, अब आने वाली न्यूजीलैंड के साथ सीरीज आने वाली है, अब देखते हैं पाकिस्तान अब कैसा परफॉर्म करते हैं। मुझे तो लगता है आधे प्लेयर्स ऐसे हैं जिनकी जो है सिलेक्शन सही तरह नहीं हुई, मैं नाम उनका भी लूंगा नहीं, जैसे ही न्यूजीलैंड की सीरीज स्टार्ट होगी ना मैं फिर सबके नाम भी लेना शुरू कर दूंगा। तो चले आज के लिए इतना ही, मेक श्योर करें इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। Thank you.